मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। बालकुंभ में खुलेआम गुंडों द्वारा चाकूबाजी किए जाने से इलाके के लोग दहशत में हैं। आपको बता दें कि ठाणे शहर के बालकुंभ इलाके में एक लड़की के प्रेम प्रसंग के चलते स्थानिक गुंडों द्वारा चाकूबाजी की घटना से इलाके के लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। बालकुंभ परिसर के दातलानी इलाके में प्रज्योत माने, श्रीज्योत माने व प्रथमेश नामक गुंडों ने इलाके में रहने वाले उज्जवल जोशी पे जानलेवा हमला कर दिया है। चाकू से किए गए हमले में जोशी पूरी तरह से जख्मी हो गए हैं। उन्हें बचाने के लिए जोशी के पड़ोसी अरविंद द्विवेदी व दिव्य सिंह बीच बचाव करने के लिए पहुंचे थे। इन पर भी चाकू से हमला कर दिया गया। जोशी सहित तीन पीड़ित बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। घटना के बाद तीनों आरोपी फरार हो गए हैं। स्थानीय निवासी ददलानी ने बताया है कि थाने पर इसकी खबर दी गई, जिसके बाद पुलिस घटनास्थल पर तत्काल पहुंच गई और सभी घायलों को शिवाजी अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल कराया गया और आरोपियों पर धारा 307 के तहत जान से मारने की कोशिश जैसे संगीन मामले भी पुलिस ने दर्ज किया है और एक टीम आरोपियों की तलाश में बनाई गई है जो पकड़ने के लिए आरोपियों को जुटी हुई है। कापुर बावड़ी पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक संजय निम्बालकर ने बताया है कि फरार आरोपी प्रज्योत और श्रीज्योत दोनों सगे भाई हैं। इन पर पहले भी कापुर बावड़ी सहित ठाणे शहर के कई पुलिस स्टेशन में रॉबरी जैसे संगीन मामले दर्ज हैं। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि ऐसे अपराधियों से डरने के बजाय लोग इनके खिलाफ पुलिस स्टेशन में आकर सहयोग करें और ऐसे गुंडों को बढ़ावा न दें। फिलहाल पुलिस अभी इन आरोपियों को पकड़ने के लिए हर पहलुओं से काम कर रही है। क्या हुआ था कि पूरा मामला क्या है? पूरा मामला मेरा बेटी उनके साथ भाग गए, मेरा बेटा को मर्डर की पूरा इधर से चाकू मारा और मेरा बेटा को नहीं बचाने के लिए जाता था तो मेरा बेटा मर जाता था। अभी आप क्या चाहते हैं? मैं न्याय चाहती हूँ, न्याय चाहती हूँ, मेरा बेटा को न्याय दे। जब मैं झुपड़ा में रहे तो मेरे हाथ में नहीं आया, तीन बच्चे पालती हूँ। क्यों परेशान, क्यों इस तरह किया उसने? उस तरह हमेशा मेरे बेटा को पीछे पड़ाया, कम से कम वो मर जाएगा तो बहन को लेके जाएगा था, लेकिन बहन को लेके ऐसे ही चले जाना, ऐसे लेके गया वो। मेरा बेटी घर पे नहीं, मेरे बेटी को लेके भाग गया, उसको माँ भी गया, उसको भाई भी गया, घर पे कोई नहीं है। पुलिस वाला ढूंढ रहे उनको लेकिन मिल रहे नहीं। अभी उसको मामा आएगा उसको गाड़ी लेने के लिए। एक बात बताओ, अगर चाबी उसके पास नहीं रहेगा तो उनको मामा कैसे आएगा गाड़ी लेने के लिए? आपका नाम क्या? अमर बहादुर। अमर बहादुर, मेरी बेटी नहीं है यहाँ। क्या दिक्कत है, क्या परेशानी इस इलाके में? सबसे बदमाश आदमी श्री प्रज्योत, ये दोनों इतने बड़े गुंडे हैं, किसी को रहने नहीं देना चाहते। कोई आदमी अपना खा कमा रहा है उससे हफ्ता चाहिए इनको, कोई दुकान खोलता है हफ्ता चाहिए, कोई रेडी वाला पटरी वाला आया बेचने के लिए उससे इनको हफ्ता चाहिए। और सबसे पहली बात इनकी ये पता चली, और तो मतलब किसी के घर में घुस के मारना, और एक किसी भाजी वाले का इनसे झगड़ा हुआ था काफ़ी पहले, दूसरे दिन उसकी लाश मिली है पाइपलाइन में। अभी आप क्या चाहते हैं? अभी हम सब सकुशल रहना चाहते हैं, किसी को तकलीफ ना दे, वो अपना खाए कमाए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी को तकलीफ ना दे। अच्छा, कैसे पालते हैं? क्या करती है? हम लोग घर काम करते हैं। अभी पहले का वीडियो मैं भेजा हूँ। और मेरा बेटी को 22 साल नहीं आएगा, मोदी कैसे शादी करने के लिए अलाउड भी नहीं दी। मेरा बेटी को लेके गया साथ में, बेटी को भी भगा के लेके गया और बेटा को तीन बार मारा हॉस्पिटल में लेके गई, कोई सपोर्ट नहीं किया मुझे। कोई लड़की शादी के लिए बोल रहा है क्या? शादी तो वो कहाँ करेगा उसे, शादी करेगा जबरदस्ती दबाव डाल रहा है कि मेरे साथ शादी करो। वही पूछ रहा हूँ, फंसा के लेके ही गया है ना। अगर भाई इधर खून खराब मर्डर किया, भाई को मर्डर करके भैया तीन लोग को चाकू मारा।